आज केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी अजमेर के इस प्रांगण में 68वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्षीय छात्र छात्रा साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है, जिसमें ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो आज जो 7 अक्टूबर का प्रथम दिवस है, इसमें आज सुबह 10:30 बजे से ही हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता, अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता, एकाभिनय प्रतियोगिता और विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों के कई जो प्रतिभागी विद्यार्थी हैं उन्होंने आज भाग लिया है, वो आज यहाँ उपस्थित हैं और प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अभी वैसे क्या है कि अन्य जगहों पर राइफल शूटिंग है, उसकी प्रतियोगिता का भी आयोजन राज्य स्तर पर चल रहा है, इसलिए हमारे जो उच्च अधिकारी वगैरह हैं वो वहाँ बिजी हैं। और उसी प्रकार से आज विज्ञान मेले का आयोजन भी पुलिस लाइन विद्यालय चल रहा है, तो सूचना तो दे दी गई थी, लेकिन हमें ये प्रतियोगिता समय से ही शुरू करनी थी, इसलिए हमारे जो निर्णायक गण हैं उन्हीं के और हमारे जो सानिध्य में है वो माँ सरस्वती को मान्यता करके हमने कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारी ऐसी अन्य शैक्षणिक के अलावा अन्य सहशैक्षणिक प्रतिभाएं विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई हैं, तो उनको उभारना इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। और इससे क्या है, बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं कि शिक्षण के अलावा अध्ययन के अलावा वो थोड़ा इन गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो आगे और भी अच्छा जो है वो रिजल्ट देने का उनका प्रयास रहता है, तो उनकी कलात्मक प्रतिभाएं भी बाहर आती हैं, साहित्यिक प्रतिभाएं बाहर आती हैं और फिर उससे जो है वो शैक्षणिक प्रतिभाएं भी उभर के बाहर आती हैं। शोषण शोषण करते हो क्या, शोषण को बदनाम कर रखा है, सही उपयोग को करके देखो इस शोषण का, तुम सब कुछ कर दिखलाओगे, चाहत रखो तुम जीने की, तुम सब कुछ कर दिखलाओगे, शोषण से तुम क्यों दूर भागते, अगर सही उपयोग करो उसका भाव हकीकत पाओगे, भाव हकीकत पाओगे, खगोल से खगोल तक बच्चों देश का लहरा रहा है, कलाम की नजरों से देखो सुबह सवेरा आ रहा है। आज कैसे जान की काम दी, तो एक दिन महाराणा ने शत्रुओं के खिलाफ युद्ध का आह्वान किया है और ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा करूं। तो प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा वरदान दो कि मुझे रोज रोज पैसे कमाने की जरूरत भी न पड़े और रोज घर का काम ही पूरा हो जाए। बेटा मुझे कुछ सोचने का समय तो दो। ठीक है प्रभु, मैं आपको सोचने का समय देता हूँ। तो प्रभु आप मुझे कुछ ऐसा करने का दो जो मैं कितना भी कहूँ वो खत्म ही ना होगा। आज केंद्रीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय पुरानी मंडी अजमेर के इस प्रांगण में 68वीं जिला स्तरीय 17 और 19 वर्षीय छात्र छात्रा साहित्यिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन चल रहा है, जिसमें ये कार्यक्रम 3 दिवसीय है, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर तक। तो आज जो 7 अक्टूबर का प्रथम दिवस है, इसमें आज सुबह 10:30 बजे से ही हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता, हिंदी निबंध प्रतियोगिता, अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता, अंग्रेजी निबंध प्रतियोगिता, एकाभिनय प्रतियोगिता और विचित्र वेशभूषा प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें विभिन्न सरकारी और निजी विद्यालयों के कई जो प्रतिभागी विद्यार्थी हैं उन्होंने आज भाग लिया है, वो आज यहाँ उपस्थित हैं और प्रतियोगिताएं चल रही हैं। मुख्य अतिथि के रूप में अभी वैसे क्या है कि अन्य जगहों पर राइफल शूटिंग है, उसकी प्रतियोगिता का भी आयोजन राज्य स्तर पर चल रहा है, इसलिए हमारे जो उच्च अधिकारी वगैरह हैं वो वहाँ बिजी हैं। और उसी प्रकार से आज विज्ञान मेले का आयोजन भी पुलिस लाइन विद्यालय चल रहा है, तो सूचना तो दे दी गई थी, लेकिन हमें ये प्रतियोगिता समय से ही शुरू करनी थी, इसलिए हमारे जो निर्णायक गण हैं उन्हीं के और हमारे जो सानिध्य में है वो माँ सरस्वती को दीप प्रज्वलन मार्यापण करके हमने कार्यक्रम की शुरुआत। कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि विद्यालयों में शिक्षण कार्य के अलावा बहुत सारी ऐसी अन्य शैक्षणिक के अलावा अन्य सहशैक्षणिक प्रतिभाएं विद्यार्थियों के अंदर छिपी हुई हैं, तो उनको उभारना इन कार्यक्रमों का उद्देश्य होता है। और इससे क्या है, बच्चे भी थोड़ा सा फ्रेश हो जाते हैं कि शिक्षण के अलावा अध्ययन के अलावा वो थोड़ा इन गतिविधियों में भाग लेते हैं, तो आगे और भी अच्छा जो है वो रिजल्ट देने का उनका प्रयास रहता है, तो उनकी कलात्मक प्रतिभाएं भी बाहर आती हैं, साहित्यिक प्रतिभाएं बाहर आती हैं और फिर उससे जो है वो शैक्षणिक प्रतिभाएं भी उभर के बाहर आती हैं।